बड़ा हम लोगों ने आईडीएस की बात की थी, हर एक आईआईटी के बारे में आपको कंप्लीट बता चुका हूँ बच्चों। आज हम बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर की, और खड़गपुर आईआईटी जो है बच्चों काफी दमदार आईआईटी है, बहुत पुराना आईआईटी है, बहुत पुराना आईआईटी है। इसका एरिया देख रहे हैं बच्चों, एरिया देख रहे हैं 2100 एकड़ में फैला हुआ भाई साहब, कई कॉलेजेस मतलब कई यूनिवर्सिटीज आ सकती है, इतना बड़ा एरिया है इसका, आईआईटी खड़गपुर का एरिया जो है बच्चों। बहुत ही लाजवाब बिल्डिंग है, बहुत पुराना है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले आईआईटी खड़गपुर से, सुंदर परचाई जैसे लोग भी यहीं से निकले बच्चों। इसकी बात करते हैं बाकी की चीजें से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना बच्चों, तो बीटेक के लिए बच्चों आपको 2,24,000 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी पर ईयरली, कितनी बच्चों पर ईयरली। और हाँ, एडमिशन लेने का बच्चा एक ही प्रोसेस है, यहाँ पे जेई मेंस देंगे आप, मेंस के अंदर 2 लाख रैंक लाएंगे, उसके बाद जेई एडवांस देंगे, जेई एडवांस के साथ साथ 12वीं में बच्चों 75% मार्क्स चाहिए पीसीएम के अंदर, ये ध्यान रखेंगे तो बच्चों। और नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, मतलब जो ही जेई का एग्जाम होगा, एडवांस आप क्वालिफाई होंगे तो आप आईआईटी खड़गपुर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों आईआईटी की फैसिलिटीज के बारे में, तो आईआईटी खड़गपुर में बच्चों क्या क्या फैसिलिटीज है, अब हम बात करेंगे फैसिलिटीज ऑफ आईआईटी खड़गपुर। बच्चों आपको एटीएम मिल जाएगा, आपको कैंपस के अंदर ही ऑडिटोरियम मिल जाएगा, बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएगा, बहुत ही शानदार बास्केटबॉल कोर्ट होगा यहाँ पे बेहतरीन, है ना, सारे स्पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे बच्चों। अगर आप क्रिकेट पसंद करते हैं तो क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा, आप क्रिकेट की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही मजे से क्रिकेट खेल सकते हैं। साइकिलिंग के लिए ट्रैक मिलेगा बच्चों, किसी भी आईटी के अंदर साइकिलिंग के लिए ट्रैक नहीं था, रनिंग या जॉगिंग के लिए था, साइकिलिंग यहाँ पे स्पेशल मिल कर सकते हैं, साइकिलिंग ट्रैक कर सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी जरूर मिलेगी आपको, नॉर्मल लाइब्रेरी मिलेगी, डिजिटल लाइब्रेरी मिलेगी, दोनों लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं आप बेहतरीन तरीके से बच्चों। फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं तो फुटबॉल ग्राउंड में ज्वाइन करें, और हॉस्पिटल 24/7 मिलने वाला है फैसिलिटीज आपको, और हॉस्टल की फैसिलिटी भी यहाँ पे बेहतरीन मिलेगी, बहुत पुराना आईआईटी इसलिए। इंडोर गेम्स की बात करते हैं बच्चों, आपको चेस मिल जाएगा, आप जिम के लवर हैं, बॉडी सॉडी बनाना चाहते हैं तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सस्ते में और बहुत ही अच्छे लेवल का जिम मिलता है बच्चों। लैब मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर, रिक्रिएशन रूम मिल जाएगा, अगर आप फंक्शन कोई सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई पार्टी इंजॉय करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आपको यहां पर रिक्रिएशन रूम भी मिल जाता है। आगे हम बात करेंगे बच्चों कि रनिंग और जॉगिंग ट्रैक आपको दोबारा से स्पेशल तरीके से मिल जाएगा, साइकिलिंग भी मिलेगा, रनिंग जॉगिंग ट्रैक भी अलग से मिलने वाला है आईटी खड़गपुर के अंदर। सेमिनार हॉल मिलने वाला बच्चों, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका जिसमें हजारों की गैदरिंग हो सकती है बच्चों। और यहाँ पे टेबल टेनिस कोर्ट मिलने वाला है, टेनिस कोर्ट मिलने वाला है, टेबल टेनिस कोर्ट और टेनिस कोर्ट दोनों ही मिलने वाले हैं आपको बच्चों यहाँ पे। सेमिनार हॉल के साथ साथ बच्चों यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट भी मिलने वाला है, और फ्री में वाईफाई 24/7 आपको यहाँ पे वाईफाई की सुविधा मिलने वाली है, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को यूज करें और हाँ बहुत बढ़िया से आईआईटी का एंजॉय करें, पढ़ाई का एंजॉय करें। आगे बात करते हैं बच्चों कौन सी स्ट्रीम आपको चाहिए, कितने मार्क्स पे मिलने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है बच्चों। अगर आप आर्किटेक्ट में बनना चाहते हैं बच्चों तो यहाँ पे ओपनिंग रैंक 9,500 है और क्लोजिंग रैंक 16,700 है। फीमेल सुप्रीमेसी सीट इंक्लूड कर देंगे बच्चों 14,245 है, और यहाँ पे 20,000 तक एडमिशन हो जाता है बच्चों। ये बायो साइंस और फॉरेंसिक साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल साइंस हो गया मास्टर डिग्री के साथ। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बच्चों 4,900 और यहाँ पे 6,770 सीट चाहिए, 677 सीट चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए बच्चों। आगे बात करेंगे और जो सीएस की बात, बच्चों मेन इस पे पूछता सर सीएस में कितने में मिलेगा, तो बच्चों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 260 मतलब आपको 250 AIR 250 रैंक लाएंगे तभी आपको बच्चों आईआईटी खड़गपुर में मिलेगा जनरल में सीएस। फीमेल्स के लिए और क्लोजिंग रैंक कितनी थी बच्चों 396 थी, आप यहां पे 350 लेके चले बच्चों, ओपनिंग रैंक 260 और क्लोजिंग रैंक 350 लेके चलेंगे तभी आपका काम बने होगा। यहाँ बच्चों 774 और यहाँ पे 1165 सीटें होंगी बच्चों। सिविल इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है बच्चों, 4,500 भी लेके आएंगे तो भी मिल जाएगा, और यहाँ पे 9,000 लड़कियां गर्ल्स के लिए बेटा 9,660 पर भी मिल जाएगा आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बीएस टेक्नोलॉजी से कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे 263 हो सकता है, सेम हो गया 263 कंप्यूटर साइंस दोबारा से आ गया। डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया बच्चों, इकोनॉमिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखो 1,074 रैंक, 1,047 रैंक लानी पड़ेगी, आप इस साल मानकर चले 1,000 रैंक पर आपका होगा, यहाँ पे 1965 रैंक चाहिए बच्चों। फीमेल सुप्रीमेसी में थोड़ी सी रैंक बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल फिजिक्स से भी कर सकते हो बच्चों, यहाँ जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हो बच्चों, जियोग्राफिकल से भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1965 रैंक 1965
96 रैंक चाहिए, मतलब 1900 रैंक लाएंगे आप तभी आपका एडमिशन होगा। और यहाँ पे क्लोजिंग रैंक 3500-700 थी, है ना, 3570 रैंक थी। ये बच्चों हो गई आपकी सारी मेटलर्जिकल, हो गई यहाँ पे फिजिक्स के साथ कर सकते हो, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने ऐसा बोल सकते हैं चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें कि आपको किस फील्ड में जाना और कौन सी रैंक आपको चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल से करना चाहते हैं, सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, किस से करना चाहते हैं आप देख लें। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने सभी आईडीज के बारे में बता दिया बच्चों, एक बार आप सभी आईडीज की वीडियो जरूर देख ले ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन से आईडी में किस किस फैसिलिटीज पे कितने कितने मार्क्स पे एडमिशन मिलता है। आज की वीडियो में बच्चों इतनी ही बात करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात।